श्री कृष्णा श्री कृष्णा श्री कृष्णा श्री कृष्णा गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः तस्मै श्री गुरवे नमः। हमारे सनातन धर्म में भिन्न भिन्न संप्रदाय है। एक संप्रदाय है जो सगुण साकार को महत्व देता है, दूसरा संप्रदाय है जो सगुण निराकार को महत्व देता है, तीसरा संप्रदाय है जो निर्गुण निराकार को महत्व देता है। सगुण साकार को महत्व देने वाले जो है भगवान की पूजा पोथी करते हैं वैष्णव शैव इत्यादि, उसमें भी पांच प्रकार हैं वैष्णव शैव सौर्य गाणपत्य और शाक्त, पांच प्रकार हैं। ये सब सगुण साकार की उपासना करने वाले, दूसरे हैं सगुण निराकार की उपासना करने वाले जो भगवान को इन्वोक करके उनसे शक्ति प्रदान करना चाहते हैं। तो सगुण निराकार का कारण क्या है कि सगुण माने उनमें गुण है, सर्वशक्तिमान सर्वज्ञ सर्वव्यापी इत्यादि, इसीलिए सगुण। निराकार इसलिए कि उनका कोई आकार इत्यादि नहीं। देखो शक्ति का आकार नहीं होता, एनर्जी हैज नो शेप। बिजली का आकार देखा है क्या? लड़की का नहीं, हमारी पड़ोसन ही है। तो शक्ति का आकार नहीं होता, तो ये दूसरे प्रकार के उपासक हैं। और तीसरे जो है वो निर्गुण निराकार को मानते हैं, उसमें आते हैं आर्य समाजी। आर्य समाजी लोग सगुण साकार को स्वीकार नहीं करते। एक बार हम हॉलैंड में थे और वहाँ कोई फंक्शन चल रहा था, हमको भी बुलाया, हम गए। तो जो सज्जन थे वो आर्य समाजी थे, हमको कहते कि स्वामी जी हम आपसे शास्त्रार्थ करना चाहते हैं। हमने कहा शास्त्रार्थ ज्ञानियों से करते हैं, मैं तो अज्ञानी हूँ, मुझे कुछ आता ही नहीं, मैं क्या करूँ शास्त्रार्थ, कुछ नहीं आता। फिर आप भगवान कृष्ण क्यों कहते? तो हमने कहा आपका नाम क्या है? बोले टीकाराम। टीकाराम भगवान की जय। कुछ हो गए, जल रहे हो क्या? मैं भगवान कृष्ण को भगवान कहता हूँ। नहीं, वो कैसे भगवान हो सकते? अरे जैसे आप हो सकते वैसे वो हो सकते। बोले आपसे बात करना कठिन है, बात मत करो, चुप रहो। फिर भी बताइए, जो 16108 से विवाह करता है वो कैसे भगवान होगा? हमने कहा तुमने कितनी विवाह की? बोले एक। पत्नी को खुश रखा है क्या? चुप हो गया। हमने मुझे उत्तर मिल गया, मौन व्याख्या प्रकटित परम ब्रह्म तत्व। हमने कहा जो 16108 से शादी करके सबको सुखी रख सकता है वो भगवान ही हो सकता है। देखो तुम तो एक से शादी करके स्वयं दुखी हो रहे हो, उसको खुशी क्या करोगे? तो ये जो आर्य समाजी है ये भगवान को महापुरुष कहते, भगवान नहीं कहते, ठीक है जो मर जाएगा वो क्या फर्क पड़ता है। तो वो उपनिषदों को स्वीकार नहीं करते, वेदों का भाग करके उनके अनुसार केवल संहिता मात्र वेद है, और इसीलिए हर जगह में वो गायत्री मंत्र का जप करेंगे। कोई पैदा होता है तो ओम भुर्भुवस्वः तत्सवितुः, पैदा नहीं होता ओम भुर्भुवस्वः तत्सवितुः, कोई मरता है तो ओम भुर्भुवस्वः, शादी होती है भुर्भुवस्वः, दोनों एक ही बात है, मृत्यु और शादी है। देखो तो वो भी इस ईशावासी उपनिषद को स्वीकार करते हैं, क्योंकि ये 40वां अध्याय है और पहले 39 अध्यायों में केवल मंत्र और मंत्र का प्रयोग किस प्रकार से करना है इसका विस्तार से वर्णन आया है। इसको कहते ब्राह्मण ग्रंथ
और संहिता, उसको वो मानते हैं। अब ये भी उसी सिलसिले में है तो उनको मानना ही पड़ेगा, काट तो नहीं सकते। जैसे होता है ना न्यू टेस्टामेंट, जैसे न्यू उपनिषद या न्यू वेद, ऐसे नहीं होता। वेदा जो वेद है वो मनुष्य की निर्मिति नहीं है, अपौरुषेय है, इसीलिए उसमें कोई चेंज नहीं कर सकते। लेकिन ये जो वेदांत में पीएचडी करने वाले हैं ना, वो ये करते हैं। एक बंगाली लड़की शिलीपाई गुरी में, वहाँ हमारा सत्संग चल रहा था, और बाद में बोले स्वामी जी मैं अमुक हूँ और मैं गीता पर पीएचडी कर रही हूँ। बहुत बढ़िया, भगवान खुश हो जाएंगे, तुम्हारी शादी नहीं हो गई होगी तो हो जाएगी, और हो गई होगी तो वो रिग्रेट करेंगे। तो बोले मैंने ये ढूंढ के निकाला है कि गीता में कई श्लोक निरर्थक है, उन श्लोकों का कोई अर्थ नहीं, मीनिंगलेस। हमने कहा कहीं आप इसकी तो बात नहीं कर रही, नवे अध्याय के चौथा और पांचवा श्लोक। अब उसको पता नहीं नवा अध्याय बोलते हैं पांचवा, कागज पे लेकर पढ़े। मया तदमिदं सर्वं जगदं व्यक्तमूर्तिनाम अस्थानि सर्वभूतानि न चाहं तेष्वस्थितः न च मस्थानि भूतानि पश्यमे योगमैश्वरं भूतभृन्न च भूतस्थः ममात्मा भूतभावनः। हमने कहा कुमक मत करो, हवा लो। आपको भी पता है और आप भी स्वीकार करते हैं? मैंने कहा हाँ मैं भी स्वीकार करता हूँ। तो फिर आपने क्यों नहीं लिखा? हमने कहा मैं भगवान वेद व्यास के लिखान को इम्प्रूव नहीं कर सकता, उनसे तो मैं ज्ञानी हूँ नहीं, मुझे तो इसमें कोई अर्थ नजर ही नहीं आता। हाँ करो जो मर्जी है करो, देखो कुछ ना कुछ सिद्ध करना पड़ता है। तब पीएचडी, दोज आर गुड फॉर नथिंग, दे गो फॉर पीएचडी। काम में लग जाओ, पैसा कमाओ, मौज में रहो, पीएचडी करेंगे क्या करें, पीएचडी करेंगे जहाँ भी जाएंगे, डॉक्टर 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 साहब जरा कमरे, नहीं मैं वो डॉक्टर नहीं, मैं वो डॉक्टर हूँ। देखो काहे को पीएचडी करते हैं, और वो भी वेदांत में। और ऐसी एक वेदांत में पीएचडी करने वाली, मुझे कहती स्वामी जी मैं बहुत फ्रस्ट्रेटेड हूँ। हमने कहा थोड़ी पीएचडी किया इसलिए फ्रस्ट्रेटेड। देखो बोले जिसने मेरे अंडर पीएचडी करी वो मेरा बॉस बन के आया है, मैं सबॉर्डिनेट हो गई, अब मैं क्या करूं? हमने कहा ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या, इसीलिए शास्त्रों का अध्ययन पेट भरने के लिए नहीं होता। सदाशिव समारंभाम शंकराचार्य मध्यमाम अस्मदाचार्य पर्यंताम वंदे गुरु परंपरा। हमको सब फ्री में मिला है, उससे हम पैसे कमाए। देखो महाराज, अध्यात्म में जब पैसा प्रवेश करता है तो पैसे का सत्यानाश हो जाता है, अध्यात्म का तो होता ही नहीं। तो यह जो ईशावास्य उपनिषद है, ये हमको किसी को कुछ सिद्ध करना नहीं है, इसमें जो बताया है उसको अपने अनुभवों के साथ जोड़ करके उस अनुभूति में निष्ठा प्राप्त करनी है, इसके लिए हम अध्ययन कर रहे हैं। हमको किसी को बताना ही मालूम है कितने उपनिषद पढ़े, पढ़े होंगे दो चार, मैंने तो 108 उपनिषद पढ़े। क्या क्या नाम है आपको पता है? मैंने इसको बता दें, इसीलिए हम लोग जो पढ़ेंगे भगवान शंकराचार्य के भाष्य का आधार लेकर के पढ़ेंगे। कहते हैं पहले अपने तरफ से, माने उपनिषद में प्रवेश होने के पहले अपने तरफ से प्रार्थना करते हैं। यहाँ ईशावास्य, ईश शब्द का अर्थ उन्होंने अपनी प्रार्थना में किया है। ईशिता सर्वभूतानां सर्वभूतमयश्च यः ईशावास्येन सम्बोध्यम् ईश्वरं तं नमाम्यहम्। मैं उस ईश्वर को नमस्कार करता हूँ
भाष्यकार कहते हैं कौन है वो मैं या कौन है वो ईश्वर। ईशिता सर्वभूतानाम, जो सभी भूत मात्र का, भूत मात्र का माने केवल चार प्रकार की योनियां ही नहीं बल्कि पंच महाभूत और जितने भी जितने देवता है माने आदि भौतिक आदि दैविक और आध्यात्मिक, इन सभी को जो नियंत्रण करने वाला है ईशिता सर्वभूतानाम और सर्वभूतमयश्च यह, और वही सब कुछ बन गया है। अब यहाँ हम आपको वेदांत की बात बता दें, ध्यान से सुनना। शास्त्रों में वेदांत में कहते हैं ब्रह्म क्या है, अभिन्न निमित्त उपादान कारण। अब ये क्या बम फोड़ दिया बीच में, अभिन्न निमित्त उपादान कारण। अब समझ लो कोई भी घट बनाना हो तो कम से कम दो चीजें चाहिए, एक तो मिट्टी चाहिए और दूसरा कुम्हार चाहिए। मिट्टी अपने आप में तो घट नहीं बनेगी और कुम्हार अपने आप में घट नहीं बना सकता, दोनों चाहिए। तो मिट्टी हो गई उपादान कारण, मटेरियल कॉज, और कुम्हार हो गया निमित्त कारण, वो हो गया एफिशिएंट कॉज। दो जो तो इकट्ठे आएंगे तब इसीलिए शरीर को घट कहते हैं, घट घट में भगवान। जो पुरुष का शरीर उसको घट कहते हैं और जो स्त्री का शरीर उसको मटका कहते हैं, क्योंकि पुरुष घटिया होती है और लड़कियां मटकती है, मटका घटिया उपनिषदों में आता है। तो सर्वभूतानाम ईशिता, अब कैसे देखो मिट्टी सभी बर्तनों का कंट्रोलर है। देखो सुवर्ण सभी आभूषणों का कंट्रोल है, ईशिता में माने ईशन करने वाला, कंट्रोल करने वाला। और सर्वभूतमयश्चयः माने मटेरियल काज हो गया, और ईशिता माने इफिशियंट कॉज हो गया। देखो जो इस जगत का मिट्टी भी है और कुमार भी है, आप ध्यान से सुनना, ये जो हमारे वेदांत का सिद्धांत है ये किसी धर्म में नहीं है, बाकी के धर्म है ही नहीं, पॉलिटिकल फोर्सेस आ गए। देखो जब आप एक मटका लेकर के घरित करके चले गए घर, तो मटके के साथ कुमार जाएगा क्या, मिट्टी जाएगी। तो ये दुनिया को जब इस प्रकार से स्वीकार करते हैं कि दुनिया की मट्टी और इस मट्टी को दुनिया बनाने वाला जो है दोनों एक ही है, अलग अलग नहीं है, ये हमको समझना है। इसीलिए जब हम शिवलिंग को स्पर्श करते हैं तो साक्षात शिवजी को स्पर्श करते हैं, क्योंकि सर्वभूतमयश्च यः, वही सब कुछ है। जब हम आभूषणों को स्पर्श करते हैं तो क्या सुवर्ण को स्पर्श करने के लिए कुछ अलग करना पड़ेगा, लेकिन आभूषणों को स्पर्श करते हुए भी हम सुवर्ण को स्पर्श क्यों नहीं करते, इसीलिए कि हम उसके नाम रूप और उसका जो डिजाइन है उसमें इतने व्यस्त हो जाते हैं कि वो जो आभूषण है वो असली है कि नकली है उधर ध्यान जाता ही नहीं। एक बार एक अम्मा अंग्रेज ब्रांड पढ़ रही थी पुस्तक लेकर के, तो कभी हाथ दूर करे कभी नजदीक करे, तो बच्चों ने कहा मम्मी बड़ी स्टाइल मार रही हो पढ़ने की, क्या सेल्फी ले रही होगी। नहीं देखो बेटा मुझे आजकल ठीक दिखता नहीं है। अब ध्यान से सुनना, उसका ध्यान कहाँ था उस समय, पुस्तक पर था कि दृष्टि पर था। देखो हमारा ध्यान कहाँ है, रूप रंग पर है कि दृष्टि पर है। रूप रंग में अनेकता है, विशेषता है, आकार है,
विकार है, प्रकार है, संस्कार है। दृष्टि में आकार नहीं और कोई रंग नहीं। जो निर्विकार है, जो निर्विशेष है, वो दृष्टि है। जो साकार है, सविशेष है, यह जगत है। साकार सविशेष जगत में निर्विकार निर्विशेष सत्ता को पहचानने के लिए यहाँ यह कहा गया है। सर्वभूतमयश्च यः देखो महाराज। अब ये समझने के लिए, स्वीकार करने के लिए एक छटाक बुद्धि की आवश्यकता है, ज्यादा नहीं, एक छटाक बुद्धि काफी है। कृपणा फल हेतवा, लेकिन कृपण जो होते हैं उनका एक ही प्रश्न है, ठीक है तो फिर हमको क्या मिला। पहली बार हमने स्पष्ट कह दिया है, आपको यदि ये भ्रांति होगी यहां आप आए तो कुछ मिलेगा, कुछ नहीं मिलेगा। हाँ, कंफ्यूजन मिलेगा, वो आप क्या दे सकते हमको, हमारे पास बहुत है। देखो तो दो बातें हो गई, यह जो विश्व है ये परमात्मा मय है, क्योंकि परमात्मा ही विश्व बना है। देखो आंखें ही रादर, दृष्टि ही रूप रंग बनी है। दृष्टि को बंद कर दो, रूप रंग कहाँ गए? दृष्टि को खोलो तो बाहर से आए क्या? देखो समुद्र में लहरें बाहर से नहीं आती। अव्यक्तादीनि भूतानि व्यक्त मध्यानि भारत अव्यक्त निधनान्येव तत्र का परिदेवना। सभी की सभी लहरें समुद्र में नित्य निरंतर अव्यक्त रूप से वर्तमान रहती है। तो अव्यक्तादीनि भूतानि, पहले यह रूप रंग अव्यक्त थे, कहाँ थे? दृष्टि में, व्यक्त मध्यानि भारत, फिर वही दृष्टि व्यक्त हो गई, रूप रंग आ गया। और इसीलिए रूप रंग का प्रभाव दृष्टि पर नहीं पड़ता, और दृष्टि चाहे रूप रंग रहे ना रहे, इसको रूप रंग के कारण कुछ लाभ नहीं होता और उनके अभाव में कुछ हानि नहीं होती। आप यहाँ 100 लोग बैठे हो तो मेरे दृष्टि को जितना बोझा है समझो 2000 हो जाएंगे। अरे बाप रे, इतने लोग आके दुख रही है, यदि सब निकल गए तो हाँ अभी हल्का हल्का फील कर रहे नहीं, क्योंकि कार्य जो होता है वो कारण पर प्रभाव नहीं डाल सकता। कारण हमेशा कार्य निरपेक्ष होता है, लेकिन हम फंसे हैं कार्य में। रूप रंग भी हमें फंसे है, कारण क्या है? एक इतना भी चिंतन नहीं करते। जैसे लाल रंग देखा तो आंखें लाल बने क्या, पीला देखा तो पीली बनी क्या, नीला देखो तो नीली बनी क्या, आंखों को कुछ नहीं, जो कहते हो। लेकिन जब हम इस विशेषता को महत्व देते हैं तो अपने आंखों से दूर चले गए, तो साधना क्या करोगे? आध्यात्मिक साधना का तात्पर्य निर्विशेष सत्ता, कुछ विशेषता नहीं। और हम सभी के सभी इस विशेषता के बोझे के नीचे दुखी हो रहे हैं। माता पिता, भाई बहन, अमीर गरीब, पढ़े लिखे ज्यादा ही पढ़े लिखे, इतना बोझा है सर पर, और फिर लोग पहचानते नहीं मुझे, मैं तो छुपा रुस्त हूं। विशेषता जहां प्रकट हो गई आप अपने स्वरूप से भटक गए। देखो इसलिए ईशिता सर्वभूतानां, जो संपूर्ण विश्व का नियंत्रण करने वाला है, जो संपूर्ण विश्व है, तो रूप रंग का नियंत्रण करने वाली दृष्टि है, दृष्टि ही रूप रंग बने, तो दृष्टि दोनों है,
उपादान कारण भी है और निमित्त कारण भी है। अच्छा मान ईशा वास्ते न सम्मोध्यम, तो इस उपनिषद में जो ईशा वास्ते मिदम सर्वम कहते हैं पहले मंत्र में, जिस ईश के द्वारा संपूर्ण जगत व्याप्त हो गया है, ईशा वास्ते न सम्मोध्यम, जिसको संबोधित किया गया है इस ईशा वास्ते उपनिषद में, तम ईश्वरम नमामि हम, मैं उस ईश्वर को नमस्कार करता हूं। अब यहां राम नहीं, कृष्ण नहीं, हनुमान जी नहीं, शिव जी नहीं, देवी नहीं, गणपति बाप्पा नहीं, क्या अपना स्वरूप है देखो। जहां सत्ता और ज्ञान ये भेद समाप्त हो जाता है उसको कहते हैं अपना स्वरूप। सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म यो वेद नीतम गुहाया परमे व्यो मन्न सोते सर्वान् कामान् सह ब्रह्मणा विपश्चिते। जिसने सत और चित आत्मरूप से पहचाना है, और जब सत और चित आत्मरूप से एक होगा तो वो अनंत होगा, वो शांत नहीं होगा। जब दो होते हैं एक दूसरे को सीमित कर देता है, देखो पूर्व पश्चिम दो है एक दूसरे को सीमित करते हैं, लेकिन वास्तविकता क्या है, आकाश को ही हमने पूर्व पश्चिम कहा है। कारण क्या है, आकाश पर हमने सूर्य के उदय का एक उपाधि चढ़ा दिया। देखो यहां पूर्व की दिशा में, पता नहीं मैं भी नया नया आया हूं यार, हर जगह पूर्व वही होगी जहां सूर्योदय होता है। इसीलिए औपाधिक अनेकता में क्या हो गया, उपादान कारण नियंत्रित और निर्माता निमित्त कारण नियंत्रक, ये दोनों एक है उसको कहते हैं ईशा इस उपनिषद में। ईशा वास्ते न सम्बोध्यम ईश्वरम तम नमाम्य हम, उस ईश्वर को मैं नमस्कार करता हूं। इसमें करना कुछ नहीं है। अब मुझे बताओ ये करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा। आपने लाल रंग देखा, आंखें लाल नहीं, दृष्टि का रंग लाल नहीं होता, नीला देखा नीला नहीं होता, इसके लिए क्या साधना करोगे आप, कुछ साधना नहीं। थैंक यू साधना के हम आपको असली बात बताएं, रियल स्पिरिचुअल प्रैक्टिस इज ए प्रोसेस ऑफ अनडूइंग एंड अनबिकमिंग। कुछ करना नहीं है, कुछ बनना नहीं है, देखो इन बीइंग देयर इज नो डूइंग। तो ईशावासेन सम्बोध्यम ईश्वरम तम नमाम्यहम्, इस प्रकार से भाष्यकार ने जो अनुवाद करते हैं उन्होंने इस प्रकार से नमस्कार किया, वही हमारा भी भगवान को नमस्कार। ये तीन शब्द आते हैं वेदांत में, जिसको ब्रह्म कहते हैं, योग में उसको परमात्मा कहते हैं, और भक्ति में उसी को भगवान कहते हैं। शब्द तीन है, तात्पर्य एक ही है। अब कोई भी उपनिषद शुरू होने के पहले शांति पाठ करने का नियम है। शांति पाठ माने कि जब हम शांति पाठ करेंगे तो दिमाग ठिकाने पर आ जाएगा, तब आप सुन पाओगे, नहीं तो होगा अब मेडिटेशन के बाद मुझे जाकर के उपमा बनाना है, पता नहीं ये लोग प्याज खाते हैं कि ये नहीं खाते, इन्हें भी उपमा बनाना है, फिर सूजी लाई है कि इतनी होगी, इतने लोग आ जाएंगे, क्या चल रहा है मेडिटेशन, पूरे मेडिटेशन में पैच काटते रहेंगे। देखो शांति पाठ
इस समय हम मिस्टर नोबडी, सुबह में ब्रह्म मुहूर्त में उठने का मार्ग में आपको बतावे, कॉम्प्लिकेटेड नहीं बताए, हम सिंपल बताएंगे। जब हम खर्राटे मार के सोते हैं उस समय हमारी क्या स्थिति होती है, वी आर नोबडी, इसीलिए खुश होते हैं। तो जल्दी उठ जाओ सुबह 4-5 बजे, तो कौन उठा, नोबडी उठा। अब कुछ बनने के पहले अपनी साधना पूरी कर लो। देखो हम लोग साधना कब करते हैं, जब हमारी आवश्यकता है, घर में बच्चों को स्कूल में जाना है, पति को कपड़े पहनवाने हैं, ये सब कुछ और ऐसी ही अम्मा जब मेडिटेशन को बैठेगी क्या चिंतन होगा, आज क्या पहना। देखो सर, इसीलिए रात को हम नोबडी थे। ये नोबडी स्टेटस जब तक के आपका 1-2 घंटे का जो आपने समय दिया है उस समय में आपको नोबडी को मेंटेन करना है। इसके लिए होता है ब्रह्म मुहूर्त का महत्व। इसका अर्थ ये नहीं कि ब्रह्म मुहूर्त निकल गया, अरे ब्रह्म गायब हो गया, वो नहीं गायब होता, आप गायब हो जाओगे। देखो संतो, ये बड़ी सूक्ष्म बातें होती है, समझ में नहीं आती, कम से कम मानो तो सही, शुरू तो करो। लेकिन चक्कर यही है ना कि सुबह उठते फिर नींद आती। ब्रह्म मुहूर्त में नींद इतनी अच्छी आती है तो साधना कितनी अच्छी होगी। तो इसीलिए मन को शांत रखने के लिए समझदारी से मन शांत रहता है। अब हम पढ़ेंगे, हमारे बाद आप दोहराइएगा, ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णकामाय पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। ब्रह्मा जी ने पहली बार जब अपना मुख खोला तो उसमें से 2 शब्द निकले, ओम और अथ। और इसीलिए ये प्रथम शब्द होने के कारण मांगलिक है, अत्यंत मंगल से, मंगलता से पूर्ण है। इसीलिए जो भी कार्य करना है ओम के साथ शुरू करते हैं। यहाँ भी उन्होंने ओम, जैसे जो ब्रह्म सूत्र इत्यादि उसमें लिखते हैं अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा, तो अथ माने अब माने कब, अब जो यूज कर ले उसके बाद। हमको यहाँ ओम का अर्थ है हम परमात्मा का स्मरण करते हैं। कौन सा परमात्मा, जो आपका ब्रांड होगा, सगुण साकार नो प्रॉब्लम, सगुण निराकार नो प्रॉब्लम, निर्गुण निराकार नो प्रॉब्लम, झगड़ा कहीं नहीं है। देखो ओ हमारे सबकी मालूम है कौन सी समस्या है, समस्या है हम अपने आप से बोलते रहते, इसको कहते हैं शास्त्रीय भाषा में मनोराज्य। कोई विषय नहीं है, कोई समस्या नहीं है, खामो खाम दिमाग चल रहा है, इधर देखो उधर देखो। यदि इन लोगों ने ऐसा किया होता किसने पूछा, बस शुरू हो जाता है अनावश्यक बातें। तो ये जो मनोराज्य है इट इज हैबिचुअल थिंकिंग, खामो खाम विचार करते। तो संतों बताते हैं दीर्घम प्रणवम उच्चार्य मनोराज्यम विलीयते। जब आप प्रणव का माने ओंकार का दीर्घ उच्चारण करोगे तो आपका जो ये स्वभाव बन गया है,
खामो खाम काव 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 काव, अंदर में पोल्ट्री फार्म चल रहा है, वो शांत हो जाएगा। हम लोग करते क्या है, कंप्लेन। कंप्लेन के सिवा हमको कुछ आता ही नहीं। वी आर मोबाइल कंप्लेन बॉक्सेस, कुछ है नहीं कंप्लेन करने के लिए। भगवान ने दुनिया क्यों बनाई होगी तुमको परेशान करने के? हाँ, देखो तो ये मनोराज्य को शांत करे तब जाकर के इसका अर्थ समझ में आएगा। इसीलिए ओ और इस ओम के उच्चारण में म को दीर्घ करना है, ओ को नहीं। ओ को दीर्घ करोगे तो अपने आनंदी के सब ज्वाइन हो जाएंगे। कौन? ओ रात को 12 बजे ओंकार ध्वनि हो रहा है चारों तरफ से, वाह वाह वाह। ओम में म का दीर्घ करना है। ओम ये करने से जितने भी उस मंत्र की शक्ति के प्रभाव है वो हमारे पूरे देह के एक एक सेल में व्याप्त हो जाते हैं। इसीलिए अच्छा अब क्या कहते हैं, पूर्णम अदहा, अदस माने वो, तो अदहा पूर्णम, परमात्मा परिपूर्ण है। परिपूर्णता के क्या लक्षण है? पहला लक्षण, यदा सर्वे प्रमुच्यन्ते कामा यस्य हृदिश्रिताः अथमर्त्यः अमृतो भवति अत्र ब्रह्म समझ्नुते। जब हमारे अंतकरण में एक भी कामना का उदय नहीं होता उस समय हम पूर्ण होते। खूब डटके खाया, पूछा स्वामी जी खाना खा ले कैसा था? बोल क्यों नहीं रहे स्वामी जी, क्या खाया? अब तो बोलना ही पड़ेगा, दिखाया जलेबी निकाल कर ये खाया। जब पूर्ण हो गए तो अपने आप शांत हो जाते हैं। एक और ले लो, नहीं अब तो नहीं, ऊपर नहीं जाता खाना नहीं। देखो सत्संग कैसा सुनते हैं मालूम है हमको, जैसे बंदर होते हैं ना वैसा, तो कैसा सुनते हैं बंदर लोग, बंदर लोगों को आप खाना दो तो वो कैसा खाते हो, जो है मुँह में डालते रहेंगे। और यहाँ पार्किंग लॉट उनके पाउचेस होते हैं, सब इकट्ठा कर लेते हैं, ले लो ले लो ले लो ले लो, और फिर उसके बाद जाकर के पेड़ में किसी जाकर के शांत कोने में बैठ लेते हैं, कोई डिस्टर्ब नहीं करता। और फिर वहाँ एक एक चना निकालेंगे चबाएंगे निकल लेंगे, दूसरा निकालेंगे चबाएंगे निकल लेंगे। इसी प्रकार से सत्संग में सब सुन लो सुन लो सुन लो सुन लो, एक घंटा श्रवण फिर 22.5 घंटे पेड़ के ऊपर मनन करो। देखो क्यों नहीं, ये बातें स्पष्ट होगी हमारे लिए। अध्यात्म माने क्या है? अध्यात्म माने पार्ट टाइम प्रोफेशन, इट इज नॉट फुल टाइम प्रीऑक्यूपेशन। देखो और उसका भी अभिमान, हम तो मांस नहीं खाते रोज, फिर अल्टरनेट खा रहे उसी का अभिमान। इसीलिए पूर्णम अदहा, परमात्मा अपने आप में पूर्ण है, पूर्णम अदहा। अब पूर्णम इदम, ये जो है इदम माने जिसको जिसको हम अनात्म भाव से ग्रहण करते हैं उसको इदम कहते हैं, वेदांत की भाषा है।
संस्कृत में कहेंगे इदम माने ये, इदम पुस्तकम यह पुस्तक, तो अदस माने वो माने जिसके बारे में हम बताने जा रहे हैं पूर्णमदा पूर्णमिदम जो आपके सामने है। तो अदस हो गया परोक्ष और इदम हो गया प्रत्यक्ष। जो परोक्ष प्रत्यक्षता में भिन्नता नहीं है वो तत्व है, माने जो देखा गया है, जो देखने वाला है और जो दिख रहा है वो एक ही तत्व है, पूर्णमदः पूर्णमिदम्। इसका अनुभव करना है, ट्राई करो अब भी क्या भी। हमारे पीछे का जो सफेद ये है पर्दा उसको देखो और अनुभव करो आप कहाँ हो, तो आपका अनुभव होगा आप अपने से दूर चले गए हो, क्योंकि वस्तु दूर है आपसे। अब वहाँ से हटा करके हमारे इस कैमरे की तरफ देखो, अब आपका अनुभव है आप अपने पास आ गए हो, अब अपनी आंखों से अपने आंखों को देखो, तो उसमें दृष्टा दृश्य देखने वाला देखा गया ये भेद समाप्त हो गया। जिस ज्ञान में दृष्टा दृश्य भेद का अभाव होता है, लेकिन जिसका अभाव नहीं होता वो अपना स्वरूप है। पूर्णमदः पूर्णमिदम्, क्योंकि पूर्णात् पूर्णमुदच्यते, सुवर्ण के आभूषण होंगे तो उसमें सुवर्ण ही होगा, बारिंग द ग्रेस ऑफ द गोल्डस्मिथ, गोल्डस्मिथ अपने तरफ से कोई निकाल के कचरा डाल देगा। तो पूर्णमदः पूर्णमिदम् पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय, ये जो जगत है पूर्ण, इसमें आपने परमात्मा को दर्शन यदि किया तो क्या होगा, आप स्वयं परमात्मा स्वरूप हो यह अनुभव होगा। हम देखते क्या है, मित्र शत्रु अपना पराया सास बहू, परमात्मा को कहाँ देखते हैं। परमात्मा को देखना होगा तो क्या करना पड़ेगा, विशेषताओं का त्याग करना, निर्विशेष प्रमाण निरपेक्ष अनुभूति, निर्विशेष सत्ता और प्रमाण निरपेक्ष अनुभूति ज्ञान, यह जो सत और चित्त है इन दोनों का जो एकत्व है वो यहाँ कहा है, पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णम एव अवशिष्यते। जब एक पानी का बूंद वर्षा समय समुद्र में गिर जाता है तो वो समुद्र नहीं बनता, वो पानी बन जाता है। इसलिए ये जब अंतिम जीवन की जीवन का लक्ष्य है तो उसके लिए प्रार्थना करते, क्या प्रार्थना करते, तीन शांतियाँ, ओम शांति शांति शांति। पहली शांति अपने देहात्म भाव को लेकर के, जिसको कहेंगे आदि भौतिक। जब तक हम अपने आप को देह मानेंगे तब तक के सूखा कचरा गीला कचरा, ये दो कचरे से अपने आप को बचाओ, पहली शांति। माने क्या होगा, संग्रह और संबंध, इनके द्वारा प्रभाव कम होगा, समाप्त नहीं होगा कम होगा, ओम शांति। दूसरी शांति है आदि दैविक, मन के लेवल पर,
हम सभी के सभी अपने कारण जितने परेशान होते हैं उतने और किसी के कारण परेशान नहीं होते। आत्मैव आत्मनो बंधु आत्मैव रिपुरात्मा। देखो आरु रुक्षुरु मुनेर योग कर्म कारण मुच्यते योगारूढ़ सैव शमक कारण मुच्यते। तो हमको अपने आप को अपने आप से बचाना है ना। नेवर रिटायर इन लाइफ, वी मस्ट प्रोड्यूस वेल्थ। आलसी होकर के फ्री में खाना ये नरक का दरवाजा है। मेहनत करो, नेवर रिटायर इन लाइफ। जिन घरों में ये रिटायर्ड आदमी रहते हैं ना, उन घरों की माताओं को पूछो, इतने परेशान होते बेचारे, सो उठ गए बहू आज खाने को क्या है, ब्रेकफास्ट में ब्रेकफास्ट खाते समय, लंच में ऐसे करो कई दिनों से मिर्ची के पकौड़े नहीं खाए, केवल खाना सोना, दूसरा कोई विषय ही नहीं है। और बड़ी विचित्र बात है, इसीलिए हम युवाओं को ज्यादा महत्व दे रहे हैं। खाना का टेस्ट सबसे पहले जागृत होता है। यूजलेस बच्चा, मुझे दूध नहीं चाहिए, कॉफी चाहिए, एक लगाओ जोर से समझ में आएगा कॉफी चाहिए। उसमें बचपन से खाना ही खाना, वो पूरा जीवन उसी में जाता है। और सबसे शांत कौन सा हमारा इंद्रिय होता है, वो भी रसन है। देखो एक बुढ़ाओ मृत्युशैया पर थे, डॉक्टर ने कह दिया ये अब इनका सब खत्म हो गया है, इनको कोई इच्छा होती तो पूरी करा दो। अब बच्चों ने पूछा बाबूजी डॉक्टर ने कह दिया बस सब सब समाप्त हो गया, अब आपकी जो इच्छा होगो होगी वो बताओ, पूरी कर देते ताकि आपकी कोई इच्छा न रह जाए। अब ये था पेटू, पेटू माने पूर्ण ध्यान उसका मध्य प्रदेश पर था हमेशा। तो फिर देखो बेटा ये डॉक्टर ने पिछले 6 महीने से मुझे कुछ नहीं खाने दिया और मेरे मन में एक ही इच्छा बाकी है, अभी बाकी कुछ इच्छा नहीं, मुझे एक बहुत बढ़िया चिकन आगे कह भी नहीं सका। तो फिर यम यम वापि स्मरण भावम त्यजन्ते कलेवरम तम तमे वेदिक होते। तो जो आखिरी विचार होता है वो हमारी अगले जन्म की ब्लूप्रिंट होती है। तो आपने ब्लूप्रिंट दे दिए, कौन सी चिकन कोक नहीं, अगला जन्म गारंटी। देखो महाराज कितनी महत्व की बात है। इसीलिए अपने मन को भगवान के नाम में लगा दो। कंप्लेन नहीं, अखंड नाम चलता रहे। जो कंप्लेन करते हैं वो भगवान के भक्त नहीं, विभक्त है। जिनको भगवान के नाम में मस्ती चढ़ गई है उनको क्या फर्क पड़ता है दुनिया क्या है क्या नहीं है। देखो कौन आया कौन गया उसने ऐसा किया, तुमको क्या करना, तुम अपना नाम लो। देखो इसीलिए दूसरी शांति, अपने मन के शांति के साथ खेलो मत। इस दुनिया में सर्वश्रेष्ठ वस्तु यदि कोई है तो अपने मन की शांति। नास्ति बुद्धि अयुक्तस्य न चा युक्तस्य भावना न चा भावयत शांति अशांतस्य कुतः सुखम। कोई कहे मैं शांत हूं लेकिन दुखी हूं, संभव ही नहीं। और ये दुखी होने का एक बार आदमी को आदत लग गई है ना, तो वो कैसी आदत है, एक्जिमा के जैसी। एक्जिमा कैसा होता है, कभी क्योर नहीं होता, खुजलाते रहो। अच्छा एक्जिमा को खुजलाते तो बड़े आनंद आता है, दुख नहीं होता, दूसरे को दुख होता है, यह कौन निकल रहा, अच्छा कोई बात नहीं। महाराज दुखी होने का व्यक्ति का स्वभाव बन जाता है।
इसीलिए मैं किसी भी बुढ़ाओं को पूछता नहीं हूँ कैसे हो, वो बदला निकालते बैठो, ऐसा सुनाएंगे कि तुमको गलती समझ में आएगी। बुढ़ापे में क्या क्या होगा, बीमार तो होगी, हिंदा होना बहुत है, हमेशा वही पेन दियर पेन दियर पेन पेन एवरीवेयर, अरे राम ईयर राम दियर राम राम एवरीवेयर, और देखो उसी में फंसे रहते हैं क्योंकि हमने अपने मन के तरफ कभी ध्यान नहीं दिया। हम लोग अपने खाने की तरफ कितना ध्यान देते हैं, ऑर्गेनिक फूड। मैं अभी कहा था रायपुर में, वहाँ एक बोर्ड पढ़ा, जीनियस कैसे होते, ऑर्गेनिक एग्स। देख करके मुझे मजा आया, हमारे फ्रेंड स्वामी जी क्या हो सकता है, हमने कहा ये जो एग है ना ये पेड़ से निकलते ऑर्गेनिक एग्स। कितना खाने के बारे में सोचना, ये नहीं खाना वो नहीं खाना सब कुछ करना, अरे अपने मन के बारे में सोचो कि मन को हम क्या खिला रहे हैं। जैसे शरीर को खाना खिलाए में 10 बार सोचते हैं, वैसे मन को क्या खिला रहे वही दुनिया भर की फालतू की बातें इधर उधर की, जो अंदर जाएगा वही बाहर आएगा। और फिर कहते रात को हमको बहुत डरावने सपने आते हैं, नहीं तो क्या होगा, फिर दिन भर वही किया, रात को ये हॉरर फिल्म देखते कई बुढ़ाओ लोग दिखाए मैंने, चलते गाड़ी में लटकती लाश और सो गए, वो लाश आ गई सामने में। देखो संतो, अपने मन को शांत रखो, डोंट प्ले विथ योर पीस ऑफ योर माइंड, उसके साथ कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं। उसके लिए 2 टेक्निक है, 1 टेक्निक किसी को खुश करने का प्रयत्न मत करो। भगवान आपको खुश कर सका क्या, तुम दुखी हो, दूसरे को खुश करना चाहते हो, तुम्हारे खुश करने से दूसरा और दुखी होता है। हमको लोग बहुत खुश करना चाहते हैं और हम बहुत दुखी होते हैं, तो हमें और ले लो, और नहीं मैं नहीं ले सकता, नहीं थोड़ा हमने इतना प्यार से लाया है, अरे यार मैं नहीं तो मर जाऊंगा ना, समझ कोई नहीं एक हाथ बार लो, प्यार है प्यार मैं क्या जानू रहे, इसीलिए मैं चक्कर में नहीं पड़ता। तो मैंने दूसरा एक मंत्र इसके लिए निकाला है, आप भी ट्राई करो। जीवन में 2 बातें आनी चाहिए, 1 नहीं कहना आना चाहिए, लेकिन अपने नहीं में भी दम हो। खाने के लिए बैठते हैं ना, अरे सबके लिए मिठाई ले आओ, श्रीखंडा ले आओ, श्रीखंडा जलेबी ले आओ, आए नहीं 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 मुझे नहीं चाहिए, हाथ उसको दूसरी थाली में वहाँ चालू होते हैं लोग। देखो वी हैव टू हैव द एबिलिटी टू डिनाई, नो मीन्स नो। उसी प्रकार से जीवन में नहीं सुनना भी आना चाहिए। जो व्यक्ति नहीं सुन नहीं सकता वो डिप्रेशन में जाता है, बहुत महत्व की बात है। ये सब करने से दूसरी शांति समझ में आ गई, ओम शांति शांति। यदि आप केवल भाषांतरण पढ़ोगे ना, वह परब्रह्म पूर्ण है, यह कार्य ब्रह्म पूर्ण है, दोनों पूर्ण की पूर्णति उत्पत्ति होती है, तथा प्रलय काल में पूर्ण कार्य ब्रह्म पूर्णत्व को लेकर अपने में लीन करके पूर्ण ब्रह्म हो जाता है, त्रिविध ताप की शांति। क्या ताप है इसीलिए हमारे उपनिषद कहते हैं तद विज्ञानार्थम गुरुमेवा विगच्छेत् समित पाणि श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठम। पुस्तकों में लिमिटेशंस होते हैं, भाषा के पेज के साइज के सब होते हैं। तो दूसरी शांति होगी, अब तीसरी शांति, ओम शांति शांति, तीसरी आध्यात्मिक शांति। आध्यात्मिक शांति क्या है, केवल गलत धारणाओं से मुक्त होना और नई धारणाएं निर्माण नहीं करना। पहले मैं भोगी था, अब मैं योगी हूं। पहले मैं मांस खाता था,
अब मैं गायों के साथ चरता हूं घास। पहले मैं 9 बजे तक सोता था, अब मैं 9:15 बजे उठ जाता हूं। हम कर क्या रहे, केवल मैं का डेफिनेशन बदल रहे। ध्यान से सुनना, वेदांत आपको मुक्त नहीं करता, आपसे मुक्त करता है। मैं मुक्त नहीं हो सकता, मैं से मुक्त होना है। और वही हम करते हैं रोज, जब सोते हैं तो करते क्या है, ये मैं का ही तो त्याग करते हैं। मैं से मुक्त होना है, मैं को नहीं। कहीं मत भेजो वैकुंठ, वहां कुछ नहीं होता, सब बकवास है। आप अपने में देखो, हम कैलाश गए थे, कैलाश मानस पर, और वहां जाने के बाद एक कोई बाबा जी बैठे थे, तो हम जाके नमस्कार मतलब ठीक है विड्रॉ कर लिया, जबरदस्ती दे खींचेंगे आपकी टांग नहीं। तो बोले महाराज जी मैं बहुत दुखी हूँ, आप यहाँ भी दुखी मिल रहे। तो मैं 6 महीने से यहाँ हूँ, प्रदक्षिणा नहीं कर पाया, मैं बहुत पापी हूँ, मेरे लिए कुछ करिए। मैंने रोना मत, पहली बार मैं प्रदक्षिणा करके आऊँगा और जितना पुण्य है वो आपको अर्पण करूँगा, ठीक है। मैं आया घूम के, हमने कहा गर्म पानी डालो, ठंडे पानी से नहीं निकलता, ठंडा बहुत है ना। तो हाँ बोलो, मैं स्वामी जी आपका नाम क्या है, मैं नाम लूँगा, ये पुण्य कैलाश प्रदक्षिणा का आपको अर्पण कर दूँगा। मैं स्वामी जी आपका नाम क्या है, वैकुंठनाथ को मेरा कैलाश प्रदक्षिणा का पुण्य अर्पण करता हूँ। और मैं भागा और हंसने लगा पागल की तरह। हमारे फ्रेंड के स्वामी जी क्या हो गया आपको, इससे बढ़िया जोक क्या हो सकता है, इसमें क्या जोक है। अब देखो समस्या भगवान के लिए समस्या है, वैकुंठनाथ यदि कैलाश में मरेगा तो कहाँ जाएगा, तो कैलाश जाएगा, कैलाश गया, एंट्री कहाँ मरे हो कैलाश, वेरी गुड वेलकम, नाम क्या है वैकुंठनाथ, आ जा वैकुंठ पे जाएगा, क्या नाम है तुम्हारा वैकुंठनाथ, आइए आइए कहाँ मर कैलाश मार, ना घर का ना घाट का, मरो मत, वेदांत आपको मरने नहीं देगा। देखो, क्योंकि जो मरता वही है जिसने अपने आप को शरीर या देह या जीव मान लिया है, अन्यथा मरण असंभव है। सत्य है। तो ओम शांति शांति शांति। तो तीसरी शांति, हमारी गलत धारणाओं को हमको त्याग देना है। एक धारणा अपने बारे में, कौन साधना कर रहा है, यदि पति साधना करेगा तो उसकी इष्ट देवता अनिष्ट देवता क्या होगी, बेलन देवी, इष्ट देवता नहीं अनिष्ट देवता। और यदि माँ साधना कर रही होगी तो कौन होगा, यूजलेस बच्चा, इट कैन नॉट गो बियॉन्ड इट। इसीलिए ये जो भ्रांति है हमारी कि हम साधना इनके लिए उनके लिए, कोई किसी के लिए मत करो, अपने आप जो मोह में हो, इस प्रकार से गलत धारणा अपने बारे में, जगत के बारे में, ये जगत में कौन सी बात है वो खराब है मुझे बताओ। 5 विषय खराब है, इंद्रिय खराब है, मन खराब है, कुछ नहीं, ये सब क्या आवश्यकता है, खराब क्या है, खराब है हमारी निर्मिति। 2 प्रकार की दुनिया होती है, एक दुनिया है भगवान की निर्मित जिसको ईश सृष्टि कहते हैं, दूसरी दुनिया है हमारी निर्मित जिसको जीव सृष्टि कहते हैं। भगवान ने स्त्री को जन्म दिया तो वो हो गई ईश कार्या, उस एक स्त्री में से 3 निकले, एक माँ निकली, एक कन्या निकली और एक पत्नी निकली, और दुखी होने वाले ये 3 हैं। स्त्री दुखी नहीं होती, देखो माँ पत्नी और
पति जो भी होगी वो कभी सुखी नहीं होती। क्यों नहीं, वो है ही नहीं कहीं। देखो संतो, करना क्या है इसमें, कुछ नहीं करना है, फोकल लेंथ को चेंज करना है। इसीलिए हम लोग भी आई डॉक्टर है, यहाँ भी कोई आई डॉक्टर होगा, लेकिन उस आई डॉक्टर का स्पेलिंग अलग है, EYE, हमारा eye.com है। इस आई को ठीक करो, सब ठिकाने पर आ जाएगा। ओम शांति 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 ही, ये इस मंत्र का हमने प्रारंभ से यहाँ तक देखा। इसके पश्चात अब भगवान शंकराचार्य इसको इंट्रोड्यूस करते हैं, इस उपनिषद को कहते हैं, ईशावासम इत्यादय मंत्र कर्मसु अविनियुक्ता तेषाम अकर्मशेषस्य, उसमें नहीं पुस्तक में, हिंदी में पुस्तक में नहीं, अंग्रेजी हो तो बोलो, कर्मसु अविनियुक्ता तेषाम अकर्मशेषस्य आत्मनः याथात्म्य प्रकाशकत्वात् याथात्म्यम च आत्मनः शुद्धत्व अपाप विद्वत्व विशुद्धत्व एकत्व नित्यत्व अशरीरत्व सर्वगतत्व आदि वक्षमाणम तच्च कर्मणा विरुद्धेशेति युक्त च एषाम कर्मसु अनियोगः। तो पहले जो 39 अध्याय में जो बताया है वो सब का सब कर्म में उनका विनियोग है, लेकिन ये जो मंत्र इसमें आने वाले हैं इसमें कहीं भी ये करने से वो होगा, वो इस प्रकार से करो, इसका कहीं भी संबंध नहीं आ सकता। इसलिए कर्मसु अविनियुक्ताः, इन मंत्रों का उच्चारण कब करना चाहिए, जैसे उदाहरण ले लो आप पुरुष सूक्त, तो पुरुष जब पूजा करते हैं वैदिक पूजा तो एक एक मंत्र का उच्चारण करेंगे, ओम सहस्र शीर्षा पुरुषा सहस्राक्ष सहस्रपाद जलम समर्पयामि, एक एक मंत्र का वहाँ विनियोग होता है। इस प्रकार से इस उपनिषद के मंत्र का विनियोग उपयोग संबंध किसी भी प्रकार के कर्म से नहीं है, और इसीलिए यह उपनिषद कर्म का प्रतिपादन नहीं करती। तो तेषां कर्म तेषां अकर्मशेषस्य आत्मनः, तो फिर हमारा स्वरूप क्या है, अकर्मशेष, जिसमें कोई भी कर्म की संभावना ही नहीं, केवल होना मात्र है, करना कुछ नहीं है। इसीलिए बताते हैं मेडिटेशन करते नहीं। देखो इतनी छोटी बात है, एकाधिन हरी इच्छा से क्लिक हो जाए, मुझे बताओ हम जागृत अवस्था करते हैं कि हम जागृत अवस्था में होते हैं, हम स्वप्न करते हैं कि स्वप्न में होते हैं, हम नींद करते हैं कि नींद में होते हैं, हर जगह हम होते हैं ना, तो मेडिटेशन में भी रहो ना, करते क्यों। नहीं मेडिटेशन में क्रैश कोर्स इन मेडिटेशन, फर्स्ट लेवल सेकंड लेवल, फर्स्ट लेवल में नीचे से गरम गरम ऊपर जाता है, गैस ट्रबल है। सेकंड लेवल में यहाँ आंखों के बीच में खुजली आती है, मच्छर ने काटा है। थर्ड लेवल में हेडेक होने लग जाता है, अभी रियलाइजेशन लक्षण है। करो कुछ मत, जस्ट बी। विद्यते हृदय ग्रंथि छिद्यन्ते सर्व संशयाः क्षीयन्ते चास्य कर्माणि तस्मिन् दृष्टे परावरे। पर और अवर, जो अव्यक्त और व्यक्त दोनों एक ही है, जो व्यक्त है वो कार्य है, जो अव्यक्त है वो कारण है। जैसे जैसे सूक्ष्मता बढ़ती है चिंतन की, वैसे वैसे ये बात स्पष्ट हो जाती है। इसीलिए अकर्मशेषस्य आत्मना याथात्म्य प्रकाशना याथात्म्य अप्रकाशकत्वात्, इसीलिए अपने स्वरूप की वास्तविकता क्या है ये कर्म के द्वारा बताई नहीं जाती,
और इसीलिए याथात्म्यम च आत्मनः, तो अपनी वास्तविकता क्या है, अपना स्वरूप क्या है, क्या है स्वरूप, वो शुद्ध शुद्धत्व, अपाप विद्धत्व, एकत्व, नित्यत्व, अशरीरत्व, सर्वगतत्व इत्यादि वक्षमाण। तो हमारा स्वरूप क्या है, शुद्ध है, पाप पुण्य का उससे कोई मतलब नहीं है, वो विशुद्ध है, एक है, नित्य है, इस प्रकार से सर्वगत है, इस अपने स्वरूप को लखाना है, उसके लिए यह उपनिषद प्रारंभ होता है। तच्च कर्मणा विरुद्ध इति युक्त एव वेषां कर्मसु अवनियोगः, और यह जो है हमारा स्वरूप, ये कर्म के अविरोधी है, कर्म से कोई मतलब नहीं इसका लेने का, और इसीलिए ये मंत्र जो है ये कर्म में विनियुक्त नहीं होते, इसीलिए इस उपनिषद को केवल अपने स्वरूप को लखाने के लिए बताया गया है। इसके अगला भाग हम अगले क्लास में लेंगे। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति।